क्या माहौल है इस बार आपके घोसी विधानसभा में? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया महोदय कि आप आए मेरे पास पूछे हैं। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हम लोग तो नेता नहीं है, हम लोग वोटर है सर जी, जी। हमारी यहाँ दुकान है कपड़े की, लेकिन जो हम लोग सब लोग विचार कर रहे थे जो अच्छा प्रत्याशी आएगा उसको वोट करेंगे, लेकिन जो एक जो सपा के जो प्रत्याशी लोग हैं या सपा के कुछ लोग हैं दबंग जो ये बदमाश पाल रखे हैं, ये गुंजा पालती बहन में आती से झंझट बवाल कर करके संसद में झगड़ा किए थे, फिर क्या कारनामा कर दिए हैं। कौन झगड़ा किया था? जो संसद में बहन जी का जो नहीं हो रहा था आपको पता नहीं है? पता कौन झगड़ा किया? और सपा के लोग किए थे जो गुंजा के लोग कौन थे? कौन वो सपा के लोग थे गुंजा राज चलाना चाहते, आपको क्या बताया कि कौन? नाम नहीं मालूम। नाम पता है बादल से, नाम उसका देख रहा हूँ किसका नाम है। तो जो हरकत हो रहा है, हम लोग तो सोच रहे चलो जो अच्छा प्रत्याशी है उसको वोट करने के विचार कर रहे थे, लेकिन कल का हरकत देख करके गुंजा करके जो सीआई फेंके गए थे सर। हाँ, जो हम कोई भी नेता किसी के वोट करिए, किसी का वोट मांगिए, हर समाज देंगे, नेता सबका होता है, सबका होता है ना, लेकिन जो हरकत करे जो गुंजाई चला ये चलने वाला नहीं है। सीधा वो चमार भाई जान गए हैं, देखिए जब बहन मायावती का गठबंधन हुआ था सपा से, याद है ना, आज सीट जीती थी जो बहन मायावती, जो उनकी चमार भाई कसम खा ले कि मेरे को साइकिल वोट नहीं करना है, न करेंगे, बात समझा रहे आपको, नहीं देंगे। वो तो कह रहे सब हमारे तरफ है, ये सब गलत बात है, चकमा है, या आज आकाश से पता तक लहर चल रही है, आज गुंजाई नहीं चलेगी, आपसे कह रहा हूँ नहीं चलेगी। दलित समाज किसके तरफ है इस बार घोषित? दलित समाज आपको पता नहीं है मानवर की, जब आज को सिर्फ बहन मायावती को वोट पड़ा था, जबकि आज बहन मायावती का आज को सिर्फ निकली थी, आज सपा के कोशिश नहीं निकली थी, वो नहीं कहना चाहता है ना सर, आगे हम वोट किसको करेंगे, दलित का वोट सीधे पड़ेगा दारा सिंह चौहान पर। आपका नाम जान है? नाम क्या? मेरा नाम है रामू चौहान जी। मेरा नाम है रामू चौहान, बताइए सर। सुधाकर सिंह जी में क्या कमी है बताइए? सुधाकर में कोई कमी नहीं है, लोग जानता है क्या कमी है, हम कहे कहे कमी है, हमारे तो नेता थे, हम नेता मानते हैं, हम कमी तो बताए नहीं आपसे। जो सपा के गुंजारा चलाना चाहते हैं ऊपर हमें बात करें कि मुंह पर क्यों सीआईबी का गया, क्या गलती किया थे? कौन से सीआई फेंकवा? कौन फेंकवा था? सपा के लोग फेंकवा थे, बुला करके माला पहनवा रहे हैं और मुंह पर भिखारी मार रहे हैं, वाला सरेंडर कर दिया और बता रहा है बीजेपी के लोग जाल है, हमसे बोले थे कि सीआई फेंको हम तुम्हें बचा लें, हमारे मोबाइल पर नहीं है जो आप कह रहे हैं, सीआई फेंक दिया, अभी अभी सरेंडर किया है, हमारे मोबाइल पर नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने फेंकवाया। वीडियो किसने बनाई थी? देखिए विपक्ष कुछ कहेगा तो जान कैसे बचेगा, माननीय मोदी जी कहे थे अगर जो आतंकवादी है तो हमारा ऊपर छोड़ दो, नहीं तो सीधा सीधा जेल जाओगे, नहीं तो सीधे ऊपर जाओगे, सब ऊपर जाने वाले हैं। जो आतंक करेगा माननीय मोदी जी के योगी जी की सरकार में ये नहीं चल पाएगा गुंजाराज। लोग तो कह रहे हैं कि बाहरी है, इनको हम लोग भगाएंगे, वोट नहीं देंगे। अरे कौन कह रहे हैं बाहरी? अंबानी अखिलेश यादव जी आके वहाँ से सफाई से आजमगढ़ चुनाव लड़ते हो, बाहरी है, विपक्ष लगा था आप पढ़े लिखे हैं मानवर, हमको तो मालूम है कि मोदी जी भी आकर यहाँ चुनाव लड़ते हैं, आप जो में कार्यालय है मकान है तो बाहरी है, आप इस संविधान में नहीं होता तो क्यों ऐसा टिकट देते, क्यों लड़वाते हैं बताइए, संविधान में है तभी ना। जो एक आध सीसी फुसी वाले लोग तरह तरह के लोग हैं, देखिए हर पक्ष में दो पार्टी होता है, वो कहेगा कि दारा सिंह गलती, वो कहेगा अखिलेश जी गलती, कोई गलती नहीं, तुम्हारा जहाँ विचार है मत वहाँ करिए, लेकिन लड़ाई तो लगी गई, देखिए ना क्या फैसला आ रहा है, 8 तारीख का सिर्फ इंतजार करिए, सरसा जाते लीज करेंगे, उपचुनाव है, इसमें कोई दूराय नहीं है, जिसको विरोध करना है विरोध करने से दिक्कत नहीं है, ये चक्की पर विरोध होता है, गाँव में जाकर सर पता कर लिए गाँव में क्या स्थिति है, गाँव में जाएंगे, मगर ये बताइए कि मतलब कि इस बार पक्का है नारा सिंह चौहान जी जीतेंगे? बिल्कुल, राजनीति छोड़ देंगे, जो कोई राजनीति नहीं करेंगे, आप जानते हैं पुराना नेता है उसने विधायक न समझिए सर जी, वो पिछड़ों का और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लोगों का बहुत आरोप है कि मतलब दर बदलू है, पार्टी छोड़ के इधर से उधर होते हैं, इस पार्टी में उनसे पूछे कि बहन में आती और अखिलेश में यादव जी क्यों गठबंधन का विरोध तोड़ देते हैं, क्यों अखिलेश यादव ने साइकिल पर राहुल गांधी को बैठा कर उतार देते हैं, उनसे विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा, उसे कहने से कम हाथी चली बाजार कुत्ता भूखे हजार, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है मानवर, उसे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो हरकत कल का स्थिति है पूरा जो अंशुल के भाई सबको याद है, कहा क्या करना है समझ में, 5 तारीख को 8 तारीख गिनती में आपको आ जाएगा सर जी, 8 तारीख इंतजार करिए बस, पक्का इस बार बीजेपी की सरकार चुनाव जीते दारा सिंह तो कोई रोक ही नहीं सकता है, उपचुनाव है सर जी, अभी आ रहे हैं माननीय योगी जी आ रहे हैं, किशोर प्रसाद जी मोदी आ रहे हैं, हम ललकार दिए सर जी, वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वोट मांगेंगे अपने विचार रखेंगे, वो तो कौन नहीं मांगता उन पार्टी का, वो अभी तो कह रहे हैं कि हमारे आदम खां आ रहे हैं, जो आदम खां उनका सुपर स्टार प्रचारक है, अपना जमानत बचा ही नहीं पाए, सुपर स्टार प्रचारक है, घोसी के मुसलमान भी बीजेपी के साथ हैं, बिल्कुल, देखिए जी आए थे हुआ था कोपागंज में रैली, 100 मुसलमान सर जी, 100 मुसलमान उसे शपथ लिए, देख लीजिए आप तो मीडिया समझदार हैं, तो कहा जाएगा
वो कहाँ जाएगा आपसे महफूज, कहाँ जाएगा वो जान जो मंत्री हैं मुसलमान में, वो रात दिन घूम रहे हैं रातों दिन। ओमप्रकाश राजभर जी का, ओमप्रकाश राजभर जी का हाथ चौपाल पांच लगने वाला है, हर गांव गांव में घूम रहे हैं ओमप्रकाश राजभर जी। अरविंद भैया यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ओमप्रकाश जी पर तो लोग हंसते हैं, हंसते हैं तो जो आगे बढ़ता है हंसेगा नहीं। कौन मर्द है कि जिस आचार को तो सुन पैदा ना हो, ये बताइए। हंसेगा हंसेंगे, जिसे काम है हंसेगा, जिसे काम है जो नेता है नेता है। कितने समाज का वोट मिल रहा है, राजभर समाज का वोट मिल रहा है बीजेपी को? राजभर समाज का इनमें पार्टी तो अपना वोट लेकर सपा की तरफ भाग रही है। अरे सर जी, राजभर समाज को हमको नहीं मांगना है, वो तो एक तरफा है, उसमें वोट मांगने की कोई आवश्यकता तरफ है? किसके तरफ है आपको नहीं पता? किसके तरफ गठबंधन है उनसे हो गया, वो किसके तरफ क्या है? वो बैकवर्ड है, सीधे बैकवर्ड पे जाएंगे। भाजपा का ना गठबंधन है बीजेपी के साथ, और स्वाभिमान पार्टी का? स्वाभिमान पार्टी का तो कोई आदमी है नहीं, वो झूठ से चिल्ला रहे हैं, रोते पर गमछा रख करके वही जाए सोलदे वाला, कौन सा आदमी है? वो तो चाहते हैं किसी हल्ला ऊपर करेंगे तो हम भी ओमप्रकाश राजभर जैसे चमक जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है मानो, बहुत दिल्ली दूर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।